स्वागत है आप सभी का फोटो यात्री चैनल में। आज हम चलेंगे खोले के हनुमान जी, जहाँ पर हवा में लटकते हुए इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे और पहुँचेंगे पानी की टंकी के ऊपर, जो 10 सालों से इस्तेमाल नहीं की गई है। और यहाँ से हम लेंगे बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरों को, और इन सब तस्वीरों को आपको साझा करेंगे और इस यात्रा पर दिखाएंगे कि किस तरह के हमने रिस्क उठाए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। धन्यवाद। आज हम आ चुके हैं यहाँ खोले के हनुमान जी, और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं खोले के हनुमान जी में रोप वे चालू होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग 2 बार ट्रायल रन हो चुका है और यहाँ पर ये सुविधा मिलेगी लोगों को कि वो डायरेक्ट नीचे से ऊपर तक, जो ऊपर मंदिर है वो वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ तक लोग आराम से जा पाएंगे। जो लोग कच्चे ट्रैक से नहीं चल पाते हैं और ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी ये सुविधा हो जाएगी कि वो यहाँ से जा सकें और माता रानी के दर्शन कर सकें। आज हम आए हैं अपनी इस यात्रा में खोले के हनुमान जी, और यहाँ से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस ग्रीनरी के बीचों बीच में ये मंदिर है, और साथ ही साथ हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस कैमरे को यूज़ कर पाते हैं, इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। और आप इस स्टिक को थोड़ा सा और लंबा करेंगे और टर्न करेंगे तो आप अपने आप को इस पूरे वातावरण में मर्ज करते हुए इसको दिखा सकते हैं। नहीं है ना, तो काम तो पानी तो भरते हो ना रोज इसमें? नहीं नहीं नहीं, खाली पड़ी है क्या? खाली पड़ी है, बहुत दिन से खाली पड़ी है जो। अच्छा, दो आदमी वैसे टूट थोड़ी जाएगी। नहीं, नहीं टूटी है काफ़ी दिन से, 10-12 साल हो गए, 10-12 साल से बंद। अच्छा, चलो चले जाओ। जय बजरंग देख के, जय बजरंग बली का नाम ले लिया नाम तो। बहुत कम मौका होता है कि जब हमें इस तरह के किसी भी वाटर टैंक में चढ़ने का मौका मिले, लेकिन आज हमें मौका मिला है और हमें परमिशन मिल चुकी है कि हम थोड़ी ऊंचाई तक जाकर इसमें फ़ोटो कैप्चर कर सकें। और आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है, सनसेट हो रहा है और इस साइड से पूरे शहर को हम कवर कर रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा आपको दिख रहा है यहाँ पर। और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और ऊपर तक जाएं। और इस तरफ मेरे है खोले के हनुमान जी, और इस तरफ पूरा जयपुर है, और यहाँ पर मुझे बैग उतारना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा ऊंचाई में जा सकूं। काफ़ी पुराना ये वाटर टैंक है और इस जगह से हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और
मैं अब आ गया हूँ इस वाटर टैंक के ऊपर और आपको दिखाता हूँ कितना शानदार नज़ारा है। हालांकि थोड़ा सा ख़तरनाक भी है, लेकिन इस शानदार फ़ोटो के लिए थोड़ा सा ख़तरा उठाया जा सकता है। और यहाँ पर बंद पड़ा हुआ आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप देख सकते हैं। ये आपको दिखेगा खोले के हनुमान जी का वो नज़ारा जहाँ से बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। इसमें पूरा मंदिर, पूरी रोड, नया बन रहा रोपवे, वो सारा कुछ आपको इस एक नज़ारे में कैप्चर हो जाता है। और ख़ास तौर पे इस समय जब हम ऊंचाई पर हैं तो ये जो सनसेट है वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिख रही है, और इस तरह का नज़ारा रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता है। बहुत शानदार नज़ारा है, इसको कैप्चर किए बिना यहाँ पर हमारी जो यात्रा है वो अधूरी रहेगी। इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर एक शानदार फ़ोटोज़ को कैप्चर करें। जिस तरीके से बादल और सनसेट दोनों एक ही साथ आपको दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रॉ फाइल में भी कैप्चर करना चाहिए ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में हम इसको ठीक कर पाएँ और दोनों बादल और सनसेट और ये सिटी तीनों को हम एक फ्रेम में अच्छे से दिखा पाएँ। तो मैंने यहाँ पर कैमरे की सेटिंग चेंज कर दी है और अब कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अपर्चर 4 लगा दिया है और 640 का शटर स्पीड है। इसके साथ साथ में मेरा ISO 400 के आसपास है और मैं इसका वाइट बैलेंस भी चेंज कर लेता हूँ और इसको कैल्विन पे रखता हूँ और लगभग 5500 के आसपास मैं इस कैल्विन को रखता हूँ और फिर कैप्चर करता हूँ। एकदम शानदार नज़ारा है। यहाँ पर बनता है एक पैनोरमा भी लें, तो इसलिए मैंने इसको पहले एक इन्फिनिटी मोड पर इसको कैमरे को फोकस किया और फिर मैनुअल में शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको सीरीज़ में इमेजेस को कैप्चर करना शुरू किया, जिसको हम बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में स्टिच करेंगे और एक पैनोरमिक फ़ोटो क्रिएट करेंगे। ये एक शानदार फ़ोटो है, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो आपको ये दिखेगा किस तरीके का ये सीन आया है निकलकर। और जब यहाँ आए हैं तो कुछ और एंगल बनता है, हम यहाँ से भी एक एंगल लेना चाहेंगे और ये एक शानदार शॉट है। हल्का सा टैली कर लेते हैं और इसको कोशिश करते हैं कैप्चर करने की। ये भी बढ़िया है, ये पुराना जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसको कैप्चर किए बिना हम यहाँ से जा नहीं सकते, तो इसको भी यहाँ कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ही शानदार ये दिख रहा है और ख़ास तौर पर जब ये सेंटर में मंदिर आता है तो इसका लुक और भी कतल हो जाता है। कितने भी ऊंचे आ जाए लेकिन ऊंचाई कम ही पड़ती है ना। हाँ, इस पेड़ की हाइट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से ये फ्रेम के बीच में आ रहा है। यहाँ पर एक टाइम लैप्स वीडियो बनना चाहिए था लेकिन समय का अभाव है और इस खूबसूरत नज़ारे को यहाँ होते हुए देखकर भी मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। हमें जल्दी से लौटना है शहर की तरफ और कुछ और फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं, इसलिए इस टाइम लैप्स का जो ख्याल है मैं अभी निकाल देता हूँ। लेकिन जिस तरीके का ये सीन है आप देखेंगे तो इसमें टाइम लैप्स के बिना जाना थोड़ा सा गुनाह जैसा लग रहा है, लेकिन जब मजबूरी हो तो
कुछ किया नहीं जा सकता। ये जो आप देख रहे हैं पूरा सिटी है, ख़ास तौर पे वॉल सिटी का जो एरिया है वो यहाँ पर कैप्चर हो रहा है। जहाँ पर ये सनसेट दिख रहा है आपको वो जयगढ़ फोर्ट है, नारगढ़ फोर्ट है, और ये सारा जो सीन है उन पहाड़ियों के बीच में से आपको जयपुर का नज़ारा दिख रहा है। शुरू के कुछ समय तो डर लगता है लेकिन थोड़ी देर के बाद में आदत पड़ जाती है और इस तरह का जो सीन है वो आप इंजॉय करने लग जाते हैं। अभी हमें कुली के हनुमान जी और महेंद्र जी हमें एक ख़ास जगह दिखाने लाए थे और इन्होंने जो ख़ास जगह दिखाई वो शानदार थी, बहुत बेहतरीन, जिसकी वजह से हमारी एक ख़ास फ़ोटो बन चुकी है। यहाँ पर हमें ड्रोन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने बिना ड्रोन के ही वो काम कर दिया जो ड्रोन करता था। बहुत ही जर्जर और खंडर जो ये टंकी आप देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी हम चढ़े हैं, खोल के हनुमान जी के ठीक सामने की तरफ है। करीब 10 साल से ये बंद है, यहाँ पे विशेष परमिशन लेकर हम ऊपर चढ़े हैं। काफ़ी रिक्स का ये काम है और जर्जर है, इसके आप ये देख सकते हैं रेलिंग भी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी जोश और जुनून कुछ अलग और नया ज़्यादा दिखाने की कोशिश के तहत आज हम भागीरथ के साथ यहाँ पहुँचे हैं और सामने का ये सुंदर नज़ारा आपको भागीरथ जी आज अपने इस कैमरे के थ्रू दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार, कुछ अच्छी फ़ोटोज़ हमने यहाँ पर ली हैं। अब थोड़ा सा वही ख़तरनाक है एरिया, लेकिन हमें चलना होगा, वापस उल्टा ही चलना ठीक रहेगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि हम कैसे इसको लेंगे, कवर करेंगे। थोड़ा सा बैठ कर इसको यहाँ से चलो आ गए हम नीचे। यहाँ से तो अब थोड़ी थोड़ी रेलिंग है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी नीचे उतरने में। जैसे जैसे हाइट कम होगी वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आराम से हम उतर पाएंगे। इस शानदार वीडियो के लिए जो परमिशन मिली है उसका भी धन्यवाद, जिसकी वजह से हम ये कर पाए। चलिए अब हम, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए जब अच्छा लगता है कि कोई परमिशन दे दे अपनी अपनी मेहनत को सफल करने के लिए, तो आज वही हुआ। चलिए आज की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं, अब वापस लौटते हैं। और आज हमने जो थोड़ा बहुत रिस्क उठाया और फ़ोटोज़ ली वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और इसी तरह की और यात्राओं पर मेरे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए इस चैनल को। धन्यवाद।